राहुल गांधी ने फिर किया हिंदू धर्म का अपमान। हिंदू भगवानों के खिलाफ राहुल गांधी का नया बयान। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं, हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। हिंदू आस्था का इस तरह मखौल उड़ाना कांग्रेसी युवराज के लिए कोई नई बात नहीं है। अपनी इस यात्रा के दौरान ही राहुल गांधी पहले भी कई बार हिंदू भगवानों का इसी प्रकार अपमान कर चुके हैं। सितंबर 2023 में राहुल ने सांसदों की तुलना मंदिर में रखी मूर्तियों से करते हुए कहा था कि मूर्तियों में शक्ति नहीं होती। MPs को जैसे मंदिर में मूर्ति होती है वैसे मूर्तियां बना रखी हैं, मगर पावर बिल्कुल नहीं है। इतना ही नहीं, साल 2014 में राहुल ने ये तक कह दिया था कि जो लोग मंदिर जाते हैं वो ही लोग बसों में लड़कियां छेड़ते हैं। लोग मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, देवी की पूजा करते हैं, वही लोग आपको बस में छेड़ते हैं। इसी तरह ही कांग्रेस की सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की युवा शाखा ने जुलाई 2023 में केरल के कासरगोड में जमकर हिंदू विरोधी नारे लगाए थे और हिंदुओं को मंदिरों के सामने फांसी देने और जिंदा जलाने की धमकी दी थी। ये वही इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML है जिसे राहुल गांधी एक सेक्युलर पार्टी बता चुके हैं। मुस्लिम लीग इज अ कंप्लीटली सेक्युलर पार्टी, देयर इज नथिंग नॉन सेक्युलर अबाउट मुस्लिम लीग। तो देखा आपने कैसे तुष्टीकरण में डूबी हिंदू विरोधी कांग्रेस बार बार हिंदू परंपराओं और उनकी आस्था का अपमान करती रही है। शक्ति का प्रतीक देवी स्वरूपा, माँ जगदम्बा समय समय पर अनेक दैत्यों राक्षसों का वध करती आई है, और अगर राहुल गांधी को लगता है कि वो शक्ति से लड़ सकते हैं तो कांग्रेस को इसका जवाब भारत की नारी शक्ति और करोड़ों देवी भक्त देंगे।